killing me softly. I have to choose. Should I leave or should I? हेलो नमस्ते जी, कैसे आप सभी लोग? आज नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर पसीना देख रहे हैं तो ये आज यहाँ पे सोडा बेच रहे खड़े हुए हैं, कंचे वाली बोतल आज सोडा बेच रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैंने इसका बैट लगी है, ये बोल रहा है कि मैं 5000 बॉटल्स बेच दूँगा आज, 10 रुपये 10। मैंने इसको बोला कि भाई तू 20 भी नहीं बेच पाएगा, तो अभी तक ये सिर्फ 2 ही बॉटल बेच पाया। इसको 4 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। भाई टाइम हो गया है, क्या टाइम हुआ है? 1:38, इसका ऑफिस का टाइम 2 बजे, मेरी मेट्रो का टाइम। तो जब मर्जी जाओ, अभी पर इंदर लोग से ना एडवांस चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है सारी मेट्रो। अभी छोटा पीएमए और फिर निकलेंगे, 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है मेरे को सदर बाजार में जाने के लिए। पहले पेरागढ़ी से इंदर लोग, फिर वहाँ से 30 हजारी, फिर वापस जो ऐसे जाना पड़ता है। और यहाँ गर्मी तो भाई है नहीं, ना मेरे हाथ में रुमाल है और ना मेरे को पसीना आ रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और ना ये भीग रहा है ना मैं भीगता हूँ। बहुत ठंडा है यार इधर, बहुत ज़्यादा। आज फिर सेम सीन, सेम लोकेशन, सेम टेम्परेचर, कोई फर्क ही नहीं है यार। अभी आके रेड लाइट से मेरे को ऑटो मिलेगी और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा पीरागढ़ी, वहाँ जाके मेट्रो में बैठेंगे और फिर वहाँ से अपना सदर बाजार जैसा काम कल था थोड़ा बहुत, आज शायद जल्दी फ्री हो जाऊँगा मैं। अब बाकी तो जाके पता लगेगा क्या कुछ रहता है। ये सामने मेरे को यहाँ से मिलेगी अभी ऑटो, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो भी है। इधर से मैं आया था, उधर को मुझे जाना है मंगोलपुरी। I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. You'll be dead in me. यहाँ से पकड़ेंगे अभी रिक्शा और निकलते हैं शॉप नंबर 100। आज के दिन का काम था जो सदर बाजार में कंप्लीट हो गया, मतलब जिस काम के लिए मैं आया था वो फाइनली तीसरे दिन कंप्लीट हो गया। मेरे को 2 दिन हो गया इधर आए हुए और आज तीसरे दिन ये काम हो गया कंप्लीट। मैं अब यहाँ से निकलता हूँ सबसे पहले 30 हजारी मेट्रो स्टेशन पे, फिर उसको मैं देखता हूँ। अभी एक काम और है मेरे को, कहीं से कुछ सामान लेके आना है। अगर तो उधर गया तो ठीक है, और नहीं फिर मैं सोचा अक्षरधाम का, लेकिन अक्षरधाम में फ़ोन वगैरह ले लेता है, मेरे को ऐसे बताया कि बेल्ट फ़ोन वगैरह सब कुछ उतरवा देता है और उसके बाद अंदर जाके नाइट शो वगैरह होता है देखने के लिए, तो मैं देख पाऊँगा, आप लोग तो नहीं देख पाओगे। ज़्यादा माथा टेक के तो आ जाऊँगा कम से कम। बाकी अभी मैं यहाँ चौक के पास पहुँचा हूँ और 30 हजार ही जाऊँगा, वहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा। तो देख कभी जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सासों को बताऊँगा, या फिर जहाँ पहुँच जाऊँगा उसके बाद ही बताऊँगा यार, क्योंकि मेट्रो में शायद वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इस टाइम सब घर जाता है और मेट्रो फुल होती है। Should I stay with you? हजारी मेट्रो स्टेशन, कल आपने देखा था रात का नज़ारा, मतलब पिछले ब्लॉग में आपने देखा रात का नज़ारा, अभी यहाँ पे दिन का नज़ारा, शाम का नज़ारा।
खूबसूरत। अगर आपको मेरे माथे में पसीना दिखाई दे रहा होगा तो ये गर्मी का पसीना नहीं है भाई, किस चीज़ का पसीना है? मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नहीं करेगा कोई यकीन, तू बता दे लेकिन तो यकीन नहीं करेगा। मैं अपना फ़ोन छोड़ दिया था ढाबे पे, जाकर खाना खाया था और उसके आधे घंटे पहले छोड़ा था, मेरे को याद ही नहीं था कि मैं फ़ोन छोड़ दिया अपना। और जब ये आइसक्रीम वाला शूट कर, जब यहाँ आइसक्रीम वाले के शूट करने के पास आए फिर ये बोलता शूट कर, मैं देखूँ मेरा फ़ोन ही नहीं है। ओ भाई ऐसी तैसी, और शुक्र मिल गया। सब बंदे बोलते नहीं मिलता, अब नहीं मिलेगा, ये दिल्ली है भाई नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है यार, पान कुल्फी। शाही रबड़ी फालूदा ये सबसे बेस्ट है। चॉकलेट मैंगो रोज सबसे बेस्ट है, जो आपका फेवरेट है ना वो बना दो। मैंने सोचा था कि इतनी इतना अमीर होगा कि अपनी पसंद का कुछ भी खा सकेंगे, लेकिन आज लग रहा है कि अमीर ये हो गया है। ये हो रहा है कि भाई जो आपकी पसंद का है, चाहे महंगा हो या सस्ता हो, वो बना दो। सोचा लौंडा अमीर, लौंडा अमीर कितना आप देख सकते रहे इस टाइम, लौंडा अमीर बहुत है। खाना पेश है कि 50 रुपये का खाएगा, लेकिन जहाँ अमीरी दिखा रही हो यहाँ पूरी अमीरी दिखाता है। एक ही बनाना भैया, पापलेट फालतू का ठीक होने खंडा दे सारा का सारा ना तू। Feeling me softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose.